हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्रिप्स मिशन 1942। हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर टू के शुरुआती दौर में ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ जहाँ ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज बनाई हुई थी, वहाँ जैपनीज आर्मी ने एक के बाद एक अटैक कर दिया था। आठ दिसंबर 1941 में जापानीज़ आर्मी ने मलयन पेनिनसुला से ब्रिटिश ट्रूप्स को बाहर खदेड़ दिया। इसके अलावा सिंगापुर के ऊपर भी एयरक्राफ्ट से बॉम्ब बरसा दिए गए और हांगकांग और फिलीपींस को भी इन्वेड कर लिया। एक बार मैप में इन ब्रिटिश कॉलोनीज़ की लोकेशन देखते हैं। ये है फिलीपींस, इसी के पास है हांगकांग, और ये येल्लो कलर में जो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया है मलाया पेनिनसुला, और इसके टिप पर है एक छोटा सा कंट्री जिसका नाम है सिंगापुर। यहाँ पर मैप में आप ये भी देख सकते हैं कि जापानीज़ आर्मी अब इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। इसके अलावा अमेरिका, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के साथ लड़ रहा था, उसके पर्ल हार्बर पर जापान ने बॉम्ब अटैक कर दिया। इस इवेंट ने अमेरिका और उसके प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को भी हिलाकर रख दिया। तो ब्रिटेन की हालत लगातार ख़राब होती जा रही थी, तो साउथ ईस्ट एशिया में इन सब कंट्रीज़ में ब्रिटेन जापान से हार चुका था, और अब जापान की नज़र थी इंडिया पर। अब क्वेश्चन ये है कि इन सभी साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज़ में ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ थी जिसकी वजह से जापान ब्रिटेन को हरा पाया। बात ये निकल के आई कि इन सब कॉलोनीज़ में बहुत ही एंटी कॉलोनियल सेंटीमेंट्स थे, मतलब इन कंट्रीज़ के लोग ब्रिटेन को वॉर में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और इंडिया में भी तो सेम ही हालात थे। गांधी जी की लीडरशिप में कांग्रेस ने इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी दिल्ली चलो आंदोलन लॉन्च कर रखा था। चलो 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 दिल्ली, चलो 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 दिल्ली। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल नहीं चाहते थे कि जापान उससे इंडिया भी छीन ले, तो कैसे भी करके उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस के सपोर्ट की जरूरत थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट भी ब्रिटेन को पुश कर रहे थे कि कुछ भी करके इंडियंस का सपोर्ट ले लो, लेकिन सपोर्ट कोई फ्री में तो मिलता नहीं है। ब्रिटेन को भी अपनी साइड से कुछ एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1942 मार्च में लॉर्ड प्रिवी सील सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को एक प्रपोजल के साथ इंडिया भेजा। इसी इवेंट को क्रिप्स मिशन 1942 भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या प्रपोज किया गया था। पहला पॉइंट है डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड। यहाँ पर कहा गया कि एक बार वॉर ख़त्म हो जाए बस, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार है, विद कंप्लीट एक्सटर्नल और इंटरनल ऑटोनॉमी। इसी के साथ साथ वॉर ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करवाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाने के लिए भी तैयार थी, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्ट होकर आएंगे और बाकी के मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से होंगे, जिन्हें उस प्रिंसली स्टेट के प्रिंस ने नॉमिनेट किया होगा। कहने का मतलब, अब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोगों को दे दी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर क्रिप्स मिशन ने राइट टू सक्सीड का भी क्लॉज दे डाला। इसका मतलब कोई भी प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट जो नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता है, वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। उन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कॉमनवेल्थ में शामिल कर लेगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब देखते हैं कि इंडियंस ने क्रिप्स मिशन पर कैसे रिएक्ट किया। कांग्रेस को क्रिप्स मिशन कुछ जम नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर बात बात में ये कहा जा रहा था कि हर एक प्रॉमिस वॉर ख़त्म होने के बाद ही पूरी की जाएगी। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा कि यार ये तो एक पोस्ट डेटेड चेक जैसा है। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। रीज़न ये था कि क्रिप्स मिशन में बात हो रही थी डोमिनियन स्टेटस की, जबकि कांग्रेस ने 1929 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया था, जिसके बाद से कांग्रेस ने अपना गोल डोमिनियन स्टेटस से चेंज करके पूर्ण स्वराज कर लिया था। तो इन शॉर्ट, क्रिप्स मिशन ऑफर कर रहा था डोमिनियन स्टेटस, और कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस नहीं कम्प्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। इसके अलावा कांग्रेस का इस बात पर भी एतराज़ था कि प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ की जनता से इलेक्ट होकर नहीं, बल्कि वहाँ के प्रिंस से नॉमिनेट होकर आएंगे। और क्रिप्स मिशन का ये वाला क्लॉज जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर कोई भी प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहते हैं, तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं,
ये तो कांग्रेस को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इसे एक्सेप्ट करने का मतलब था देश बनने से पहले ही उसके टुकड़े करना। ये तो मतलब क्रिप्स मिशन ने पार्टीशन का ब्लूप्रिंट ही दे दिया था। तो इन सब रीजंस के चलते कांग्रेस किसी भी हाल में क्रिप्स मिशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो क्रिप्स मिशन से खुश तो मुस्लिम लीग भी नहीं थी। रीज़न ये था कि मुस्लिम लीग को चाहिए था मुस्लिम्स के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान, और क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान बनने की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। एक्चुअली यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात को समझना ज़रूरी है। जब हम क्रिप्स मिशन पर कांग्रेस का व्यू पॉइंट देख रहे थे तो हमने कहा था कि क्रिप्स मिशन एक तरह से पार्टीशन का ब्लूप्रिंट है, और अब जब हम लोग मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए, जिसकी क्रिप्स मिशन में कोई बात ही नहीं हो रही है। एक्चुअली यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, एकदम सिंपल है। बात यह है कि क्रिप्स मिशन के हिसाब से कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट जिसे इंडियन यूनियन में नहीं रहना है, वो अपनी अलग कंट्री बना सकता है और अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोविंस या फिर एग्जिस्टिंग प्रिंसली स्टेट्स के लिए थी, पाकिस्तान तो तब तक था ही नहीं। और क्रिप्स मिशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि इंडिया के सारे मुस्लिम्स या फिर कोई और कम्युनिटी अगर इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो वो भी अपनी अलग कंट्री बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली इंडियंस को क्रिप्स मिशन जमा नहीं, इंडिया के लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई करने में क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था। 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स भाई साहब जो हैं वो अपना बैग पैक करके वापस ब्रिटेन लौट गए। इस वीडियो के नोट्स bookstava.com वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। bookstava चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए bookstava चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग bookstava।